नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट संगीता गुसाई और आप सभी का स्वागत करती हूं डायरेक्ट सेलिंग नाउ में, जहां भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर खबर से आप रूबरू होते हैं। सिप्सा की दूसरी कॉन्क्लेव में आरसीएम बिजनेस के फाउंडर श्री टीसी छाबड़ा जी को गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत में डायरेक्ट सेलिंग को गांव-गांव तक पहुंचाने का बेमिसाल काम किया है। आरसीएम बिजनेस ने भारत को उसकी टॉप लीडर्स में से कुछ लीडर्स भी प्रदान किए, जो न केवल इंडस्ट्री को राह दिखाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि लेजेंड के रूप में सबके सामने प्रेरणा का स्रोत बन खड़े हैं। अवार्ड प्राप्त कर श्री टीसी छाबड़ा जी ने बेहद प्रसन्नता जताई। अपनी सादगी के लिए मशहूर श्री टीसी छाबड़ा जी ने बेहद सादगी भरे अंदाज में डायरेक्ट सेलिंग को अपने शब्दों में पिरोया और इसे एक खजाना बताया। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में अपार संभावनाएं हैं, जिसे देखे जाने और समझे जाने की जरूरत है। बहुत बड़ी जैसे माइन होती थी, माइन है अभी तो, अभी हम इसको केवल उपरोक्त से देख पा रहे हैं। अंदर इसके बहुत कुछ है, बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम डेटा के आधार पर देखते हैं तो ये अभी वर्ल्ड वाइड बहुत पीछे है इंडिया, जबकि होना सबसे ज्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ नीड ज्यादा है इसकी, तो बहुत ज्यादा स्कोप है। फिर भी इतना काम क्यों नहीं होता है, क्योंकि एजुकेशन चाहिए, एक प्रॉपर एजुकेशन की बहुत जरूरत है इसमें। प्रॉपर एजुकेशन हो तो ये बहुत आगे जा सकता है और देश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसमें मिल सकता है। तो ये सुनीली यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स चालू किया है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का और हमारे लिए तो बहुत खुशी का विषय है। सालों पहले एक मीटिंग थी, जब बच्चर भी थे उसमें और राजीव जी भी थे, तब भी उस समय मैंने मेंशन किया था कि एक ऐसा इसकी कोई एजुकेशन होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए इसमें, क्योंकि हमेशा हम लोग फील करते हैं, हम कंपनी रन करते हैं, हमें पता होता है कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सर। और फोकस ऐसे मेकर, मतलब एक अद्भुत दिव्य प्रेरणा जिसको कहते हैं कि, तो आज मैं भी एक एनर्जी महसूस कर रहा हूँ कि अभी तक क्या हुआ, मैं तो घोसला सर ने जो शुरू किया उतना ही हो, तो मैं तो आपकी एनर्जी को देखकर, जगह देखकर, इतनी खूबसूरत जगह पे आपने क्या कल्पना की और क्या बनाया है, और आपने जो बातें बताई इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुनकर, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हो और भी ऊंचाइयां छुए और भी आप अच्छे एजुकेशन पे काम करें, क्योंकि एजुकेशन ही किसी देश को महान बना सकती है, इसके अलावा कोई और रास्ता रखता है।